यूके आप जा रहे हैं और साथ में आप प्लान कर रहे हैं कि पार्ट टाइम आप अर्न करके अपनी जो लिविंग कॉस्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे। जो आप वीडियोस देखते रहते हैं उसमें आपको पता लगता है कि यूके के अंदर इतनी पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है। स्पेशल 5 जॉब्स ऐसी हैं जो आप थोड़ी सी क्वालिफिकेशन पाके आप वो कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको जॉब्स मिलेगी, तो कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि आप वहाँ यूके में कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट जो है और अच्छी जॉब है वो आप कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। यूके आप जा रहे हैं और साथ में आप प्लान कर रहे हैं कि पार्ट टाइम आप अर्न करके अपनी जो लिविंग कॉस्ट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपने कुछ प्लान नहीं किया है, आपको नहीं पता है कि आगे जाके क्या होने वाला है। और जो आप वीडियोस देखते रहते हैं, ब्लॉगिंग वीडियोस देखते रहते हैं, उसमें आपको पता लगता है कि यूके के अंदर इतनी पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है। तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? मेरा जो एक्सपीरियंस है यूके में रहने का, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, वहाँ की लाइफ जीने का, उसके बाद में मैंने आपके लिए स्पेशल 5 जॉब्स ऐसी हैं जो आप थोड़ी सी क्वालिफिकेशन पाके आप वो कर सकते हैं। और यूके के अंदर जहाँ पे आप छोटी छोटी पार्ट टाइम जॉब्स करेंगे 5 pounds 10 pounds कैश इन हैंड, और इनसे बेटर है कि आप थोड़ी सी अपनी एजुकेशन को एनहांस करके थोड़ा सा सर्टिफिकेशन लेके या उसके बिना भी इस वीडियो के अंदर आपको जॉब्स मिलेगी। तो कौन सी वो जॉब्स हैं जो कि आप वहाँ यूके में कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट जो है और अच्छी जॉब है वो आप कर सकते हैं? सबसे पहले है फ्रेंड्स नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट के अंदर क्या है कि जो जितने भी डेंटिस्ट वहाँ पे हैं या जितने भी लोग हैं जो प्रोफेशनली अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, उनको एक असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो असिस्टेंट आप डायरेक्टली नहीं बनते, उसके लिए आपको 3 to 6 months का एक डिप्लोमा कंप्लीट करना होता है, जो कि होता है कम्प्लीटली ऑनलाइन। उसकी कुछ फ़ीस होती है 1000 pounds या 1500 pounds, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर इसकी अलग अलग फ़ीस है। लेकिन अगर 3 to 6 months में आप ये डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हैं तो जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके पास में आपको छोटा क्लिनिक देखना है जो कि एक बंदा या दो बंदे रन कर रहे हैं, वहाँ पे आप उनके असिस्टेंट बन सकते हैं और वहाँ पे आप 23 to 25,000 pounds पर ईयर अर्न कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जिनका लग चुका है लेकिन जॉब उनको नहीं मिल रही, तो वो नर्स असिस्टेंट बन सकते हैं और उनको अच्छा खासा अमाउंट अपने PSW के टाइम पे मिल सकता है। अपना जो यूनिवर्सिटी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है कम से कम वो आप बाहर कर सकते हैं। नंबर 2 पे है फ्रेंड्स ऑन कैंपस जॉब्स। अगर आप टाइमली यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं और अगर आप फ्रेशर्स वीक अटेंड करते हैं यूनिवर्सिटी का, तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारी सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का मौका मिलता है। स्टूडेंट एम्बेसडर आप वहाँ बन सकते हैं और यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे आप अर्न कर सकते हैं, ओपन डेज पे आप काम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के एक बार पेरोल पे आपको डाल दिया जाएगा, तो जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ओपनिंग्स आएगी उसके अंदर आपको प्रेफरेंस मिलेगी। और आपकी जैसे ही डिग्री कंप्लीट होती है उसके बाद इंटर्नशिप के लिए या फिर अदर जॉब्स के लिए आपको हायर किया जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी चाहती है कि ज़्यादातर जॉब्स पे उसके खुद के स्टूडेंट्स आएँ और उनको जॉब ज़्यादा मिले। 3rd जो जॉब है फ्रेंड्स वो है डेटा एंट्री एंड वेयरहाउस। डेटा एंट्री की आप जॉब काफ़ी जगह पे वहाँ ले सकते हैं। छोटे छोटे ऑफिसेज जो हैं आपके हर सिटी के आसपास में वेयरहाउसेज हैं, उनके अंदर डेटा एंट्री की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, स्टॉक काउंटिंग की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। तो वेयरहाउसेज के अंदर आप जाके ओपनली उनको अपना CV दे सकते हैं और आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तो जहाँ पे भी ओपनिंग होगी वहाँ फटाफट आपको हायरिंग मिल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा स्किल सेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जो बेसिकली 10 to 12 टास्क जो आपके रहेगी दिन में वो रिपीटेटिव रहेगी और वहाँ पे आपको जॉब मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। नंबर 4 पे है फ्रेंड्स किचन असिस्टेंट्स। एक अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आप वहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स हैं वहाँ पे इस हॉस्पिटलिटी सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हैं और उसके अंदर आप जॉब अपनी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लास्ट हमारा है वो है फ्रेंड्स डिलीवरी सर्विसेज। डिलीवरी सर्विसेज के लिए क्या होता है कि यूके के अंदर आपको कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको निकलना होता है। तो कार का लाइसेंस जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी से आपको मिलता है, लेकिन CPT जो है यानी मोटर बाइक लाइसेंस जो है वो बहुत ईजीली आप वहाँ पर ले सकते हैं और डिलीवरी के अंदर आप काफ़ी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। जितनी भी फूड डिलीवरी आउटलेट्स हैं, चाहे डोमिनोज हो या मैकडोनल्ड्स हो या फिर आपका पिज़्ज़ा हट हो, इनके अंदर काफ़ी सारी ओपनिंग्स रहती है और उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्रेंड्स लगता है कि कहीं और जो जॉब्स अवेलेबल हैं इजीली लेकिन मैंने मेंशन नहीं करी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं यूके के अंदर उनको हेल्प मिल सके।
और साथ ही फ्रेंड्स जनवरी इंटेक जो है वो अभी ओपन है, उसके अंदर एप्लीकेशन आप हमारे थ्रू करवा सकते हैं। आगे ऐसी अपडेट्स आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।